हमारे पास बेशुमार नेशनल हीरोज थे जिनको हम फॉलो करना चाहते थे. आधे से ज्यादा फास्ट बॉलर्स तब बन रहे थे वकार यूनिस को देख के कि हमने इस तरह का एक्शन रखना है. आधे से ज्यादा बच्चों में जज्बा था कि हमने वसीम अकरम बनना है. जो बैट्समैन आता था वो कहता था मैंने अफरीदी बनना है. एक पैशन था ना उसका. शुएब अख्तर आया. अब आपको पता है आपकी सोसाइटी का कितना बड़ा स्टिग्मा है कि अगर मैं पार्क जाता हूँ ना क्रिकेट खेलने, पाकिस्तान वॉज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फास्ट बॉलर्स. और अब जो नए बच्चे जो बॉलिंग करते हैं वो बुमराह का एक्शन कॉपी कर रहे हैं. ये देख के मैं आई वाज शॉक्ड कि यार वकार यूनिस वसीम शुएब इमरान और हम बुमराह को कॉपी कर रहे हैं. हम तो इंडियंस को फास्ट बॉलर समझते ही नहीं. बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है. लेकिन हमारे फास्ट बॉलर की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया विकेट दिलाएंगे. पूरी दुनिया की क्रिकेट का रोल मॉडल कौन है मुझे आप खुद बताएं. विराट जो फ्रंट से लीड करता है चाहे जिस मर्जी कंट्री का हो वो सबसे पहले मिसाल ही विराट की देते हैं भाई. उसकी फील्डिंग की बात करें बुमराह हैज बीन आउट क्लास आउटस्टैंडिंग. और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है. खत्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता. बुमराह जो कि एक इतनी सीवियर लॉन्ग इंजरी बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं. भाई इंडिया के जैसे प्लेयर भी होने चाहिए ना इनके पास खेलने के लिए. ये कभी नहीं हो सकता है. अभी ये वर्ल्ड कप से देखो किस तरह बाहर हो गए. अवाम के दिल तोड़ रहे हैं ये. अवाम रो रही है. ये मजे कर रहे हैं बस. हाँ पैशन ही खत्म हो गया. आई बिलीव यू मी. आप मुझे फ्री भी टिकट दें स्टेडियम की. इस 11 के स्क्वाड में कोई ऐसा हीरो नहीं है मेरा जिसको देखने के लिए मैं 6 घंटे जाया करूं स्टेडियम. लेकिन किंग बाबर के लिए तो लोग अभी भी क्रेज है उनका. आप खुदा का खौफ खाएं. किंग का जो वर्ड है ना वो विराट कोहली जैसी दाढ़ी कटिंग बाल कटा के आई वोंट बी. हम 10 रन करते हैं विराट कोहली. आपको पता है विराट कोहली क्या है. 20 साल से वो कहता है कि मैंने तला हुआ खाना नहीं खाया. इंडिया की स्ट्रेटजी तो तब यूज करेंगे ना जब इंडिया जैसा खेलना आता हो. जब इंडिया जैसा खेल ही नहीं सकते तो फिर उन जैसी अगर के हम लोग स्ट्रेटजी यूज करें तो फिर ये तो गलत है. ये अभी कभी काम नहीं आ सकती है क्योंकि पाकिस्तान टीम हो चुकी है खत्म. इनको निकाल दो बाहर कर दो एक नई टीम लेकर आओ जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके. अब इनमें वो दम नहीं रहा. ये सारे वो किंग किंग बने हुए ना सारे जाली किंग हो चुके हैं. यार आज जो पाकिस्तान की हालत है इसका जिम्मेदार खुद पीसीबी और पाकिस्तान की टीम है. जिस तरह की गंदी क्रिकेट खेलती है फिर भी अपना को वर्ल्ड चैंपियन कहते हैं. अपना को वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक कहते हैं. हर जगह इनको मार लगी है फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं लेते. घमंड इतना इन लोगों को. आज देख सकते हो पाकिस्तान में बुमराह और विराट कोहली कितनी फैन फॉलोइंग है. इनके जो घंटे किंग और शाहीन अफरीदी है वहाँ के बच्चे इनकी तरह नहीं बनना चाहते. कोहली और बुमराह की तरह बनना चाहते हैं. देख सकते हो बुमराह का एक्शन कॉपी कर रहे हैं पर और प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर बॉलिंग की बुमराह के एक्शन को लेके. इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रही है. देख सकते हो आज ना वसीम अकरम शाहिद अफरीदी यूनिस खान इंजिमा वाला इनकी फैन फॉलोइंग नहीं है. इनसे बच्चे इंस्पायर नहीं हो रहे बुमराह और विराट कोहली से हो रहे हैं. जहाँ एक टाइम ये इंडिया की बॉलिंग को मानते ही नहीं था कुछ वहीं आज पाकिस्तान के बच्चे भी बुमराह की बॉलिंग को कॉपी कर रहे हैं. ये फर्क आ चुका है आज पाकिस्तान और इंडिया में. आज इंडिया की बॉलिंग हर जगह डोमिनेट करती है. ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा के आती है. इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा के आती है. साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हराती है. ये फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में. जहाँ बी टीम से भी पिलते हैं वहीं भारत प्रॉपर टीम से खेलता है. क्योंकि सब भारत के खिलाफ अपनी प्रॉपर टीम ही उतारते हैं. यहाँ तक कि भारत नहीं उतारता अपनी प्रॉपर टीम. ये जब भी जाते हैं हर टीम अपनी बी टीम सी टीम खिलाती है क्योंकि उनको पता है ये भी जीत जाएगा इनसे. भाई साहब जो 3 साल से अपने घर में टेस्ट सीरीज तो छोड़ो एक टेस्ट मैच नहीं जीता उस टीम का क्या हाल हो सकता है. अबे यार बांग्लादेश भी अपने घर में डोमिनेट करती है. तुम तो अपने घर में भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे. भारत तो तुम्हारी वैसी भी औकात नहीं थी. और विराट कोहली से तुलना करते है उस घंटे के किंग की. भाई साहब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर देता अकेला ही. उसका इतना बड़ा रुतबा है. आज भी जब क्रिकेट में कोई मिसाल देता है ना भाई विराट कोहली की सबसे पहले देता है. इसलिए कंपेयर करना पहले छोड़ दो. अपनी क्रिकेट को पहले सही करो और बी टीम सी टीम से खेलना बंद करो. चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है. हमारे पास बेशुमार नेशनल हीरोज थे जिनको हम फॉलो करना चाहते थे. आधे से ज्यादा फास्ट बॉलर्स तब बन रहे थे वकार यूनिस को देख के कि हमने इस तरह का एक्शन रखना है. आधे से ज्यादा बच्चों में जज्बा था कि हमने वसीम अकरम बनना है. जो बैट्समैन आता था वो कहता था मैंने अफरीदी बनना है. एक पैशन था ना उसका. शुएब अख्तर आया. अब आपको पता है आपकी सोसाइटी का कितना बड़ा स्टिग्मा है कि अगर मैं पार्क जाता हूँ ना क्रिकेट खेलने, पाकिस्तान वॉज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फास्ट बॉलर्स. और अब जो नए बच्चे जो बॉलिंग करते हैं वो बुमराह का एक्शन कॉपी कर रहे हैं. ये देख के मैं आई वॉज शॉक्ड कि यार वकार यूनिस वसीम शुएब इमरान और हम बुमराह को कॉपी कर रहे हैं. हम तो इंडियंस को फास्ट बॉलर समझते ही नहीं. तो अब कहाँ पैशन ही खत्म हो गया. आई बिलीव यू मी.
आप मुझे फ्री भी टिकट दें स्टेडियम की, इस 11 के स्क्वाड में कोई ऐसा हीरो नहीं है मेरा जिसको देखने के लिए मैं 6 घंटे जाया करूं स्टेडियम। लेकिन किंग बाबर के लिए तो लोग अभी भी क्रेज है उनका। आप खुदा का खौफ खाएं, किंग का जो वर्ड है ना वो सिर्फ अल्लाह की जात के साथ अच्छा लगता है। विराट कोहली जैसी दाढ़ी कटिंग बाल कटा के आई वोंट बी, हम 10 रन करते हैं विराट कोहली, आपको पता है विराट कोहली क्या है, 20 साल से वो कहता है कि मैंने तला हुआ खाना नहीं खाया, उबाल के 20 इयर्स, क्या उसका नहीं दिल करता उसके अपने रेस्टोरेंट्स है, उसको अपना नेशनल इंटरेस्ट इतना प्यार है कि अब विराट कोहली बांध के दिखाएं 100 करते जिम्बाब्वे के खिलाफ तो आप विराट नहीं बांध जाते। और ऊपर से जितनी पॉलिटिक्स बाबर साहब ने इस टीम के साथ की है ना, मैं समझता हूँ इस टीम की गड़बड़ की जड़ वो बंद है। आई डोंट केयर अबाउट हिज परफॉर्मेंस, हु इज ही कि इस टीम में वो पॉलिटिक्स लेकर आए, उसकी जाती टीम नहीं, उसके महल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, 25 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट है इस टीम के साथ। आप कहना चाह रहे हैं कि वो अपने ऑन पे डिसीजंस करते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, शादाब खान है कि पता नहीं शादाब कपूर है, मुझे तो ये भी नहीं पता, एक है खान, आप दोनों मुझे ये बता दें कि क्या वो बैटिंग ऑलराउंडर है या बॉलिंग ऑलराउंडर है या वो सिर्फ कैच करके अपने 15-20 मैच पक्के करता है, आप मुझे इस चीज का जवाब। कुछ भी नहीं है वो, उनका काम ये कि ड्रेसिंग रूम से सिर्फ देखें और दुआ करें, ठीक है ना। तो वो निकला नहीं, फिर हसन अली जब वो खत्म हो गया था उसको वर्ल्ड कप पे ले गए, दोस्ती यार ये मुझे भी बड़ा शौक है, मुझे भी खिला लो पाकिस्तान, मैं भी मेरे साथ भी स्टार लग जाएगा, खेल भी लेंगे बल्कि आप तो, मैं उनसे बेहतर, मैं अभी भी 45 की एज में इनसे बेहतर खेल लूंगा, अगर मुझे इतनी बताते ना तो पता नहीं चल रहा था कि यू आर 45। इनका रात दिन काम ये है कि ये ग्राउंड में होते, तो फिर यार आपकी ये परफॉर्मेंस है और 25 करोड़ की पब्लिक में से आपको यही लोग मिले, बिल्कुल सही बात है, जाने दें बस काम, मौका दे ही नहीं रहे किसी को भी, मौका कैसे देना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा मुल्क केपी में आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, बलोचिस्तान में बीएलए और रॉ आपको तंग कर रही है, पंजाब में कच्चे के डाकू हैं, और हमारा वजीर दाखला इस सब सिक्योरिटी इश्यूज के बावजूद वो कहता है कि पीसीबी भी मैंने हेड करना है। अभी अगर हर लेवल पे शौक की इंतहा खत्म ही नहीं हो रही तो आप कैसे कैसे चलाएंगे। अच्छा, राणा सनाउल्ला साहब ने भी कहा है कि आप एक ओहदा संभालें, एक काम करें, वो समझ आता है। इसे फुल टाइम जॉब, और आपका क्रिकेट का टेम्परमेंट सेंटीमेंट को समझ होनी चाहिए क्रिकेट की ना, ये अभी कभी काम नहीं आ सकती है क्योंकि पाकिस्तान टीम हो चुकी है खत्म, इनको निकाल दो बाहर कर दो, एक नई टीम लेकर आओ जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, अब इनमें वो दम नहीं रहा, ये सारे वो किंग किंग बने हुए ना, सारे जाली किंग हो चुके हैं, जाली किंग बन गए हैं। तो इंडिया जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, इंडिया के पास कौन सी स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान के पास नहीं यार है? इंडिया के प्लेयर हैं, देखो रोहित शर्मा जो डबल सेंचुरी मारता है, खेलते हैं उस तरह दिलेरी की तरह, उसके बाद विराट कोहली को देखो किंग उसको कहो, इन्होंने ये बाबर को किंग बना के बैठा है जो किसी काम का नहीं, 15 स्कोर किसी बच्चे को भी खिलाओगे तो वो भी करता है यार टेस्ट पे, बिल्कुल। बाकी एक वो रिजवान के साथ जुल्म हो गया उसके बारे में बात करनी है, जब वो 173 पे खेल रहा था इनको ड्रा करने की क्या जरूरत थी, बिल्कुल उसको खेलने देता ना 500 का स्कोर हो जाता था। आपने इंडिया को ही फॉलो करना है तो आप राहुल द्रविड़ को क्यों नहीं अपना कोच पॉइंट करते हैं, क्या आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, आपके पास इतना बजट ही नहीं है कि आप उनको अफोर्ड कर सकें, और अगर आप अफोर्ड कर भी पाए तो क्या समझते हैं कि वो आपके इनके साथ ऐसे मरासिम है कि वो आपको यहाँ पे कोचेस की परफॉर्मेंस देने के लिए आएंगे या अपनी जो उनकी चीजें हैं वो आपको देने के लिए आएंगे? आपके मरासिम ही ऐसे नहीं है। आज आपको इतने सालों के बाद जाके आपको मॉडर्न क्रिकेट के बारे में याद आया कि हमें इंडिया को फॉलो करना है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये हठधर्मी है कि आपने इतने साल जाया कर दिए अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जो आप मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर आए ही नहीं। जब जो प्लेयर्स आपके यहाँ पर एक दो प्लेयर्स हैं जिनको आपने देखा होगा कि खेलते हुए, इमरान नज़ीर हैं, फखर जमान हैं, उन्होंने वो नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेली, मॉडर्न क्रिकेट खेली, तो आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनको उठा के बाहर फेंक दिया, उनको अनफिट करार दिया कि ये हमारी क्रिकेट के साथ इक्वल नहीं है, वो फिट इन नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि आप हमेशा से पुरानी क्रिकेट को ही उनके अंदर देखना चाहते थे। आज आपको इतने सालों के बाद याद आया, मैं ये समझता हूँ कि आपकी क्रिकेट फेल है, आपके इतने एक साल के एक्सपीरियंस फेल है कि अगर आज आप इतने सालों के बाद इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि इंडिया जिस मॉडर्न क्रिकेट को खेल रहा है आज आप उसको अपनाने जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं आप अपना रहे? हमारी क्रिकेट का वो हाल हो गया, बांग्लादेश हमारी होम ग्राउंड पे आ गया, हमारी क्रिकेट का जनाजा निकाल के चला गया, ऑस्ट्रेलिया उससे पहले ही हमें 3-3 टेस्ट मैच वाइड वॉश करके वो भी निकल के चली गई, और अब हम कह रहे भाई मीडिया की स्ट्रेटजी यूज करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी अपना खोल तोड़ने की कोशिश नहीं की है, हम हमेशा से अपने आप को इतना करेक्ट और अपने आप को इतना परफेक्ट समझते आए हैं कि हमने कभी ये नोट ही नहीं किया कि हमारे हमसाया मुल्क किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। जिस दिन जब हमें होश के नाखून हमने लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। आज हमारी क्रिकेट की हालात देख लें, कहाँ पे जाके गिरे हुई है, किसी कोने में, मतलब बांग्लादेश और ये श्रीलंका जैसी टीमें जो है आपको हरा रही हैं, अफगानिस्तान
बच्ची टीम जो हालत जंग में रही उनके प्लेयर्स ने आके आपको हरा दिया, कैसी आपकी लानत मलामत हुई है पूरे क्रिकेट के अंदर। और आज अब आपको याद आ रहा है कि हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। देखिए इंडिया कब से क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है, उनके यंग प्लेयर्स जो है जयसवाल हो गया आपका, अभिषेक हो गया, ये आपका खेल रहा है, और फिर वो आपका जो जिसे कहते हैं रिंकू सिंह है वो खेल रहा है। सुने ना, नसीम शाह आया, अच्छा बॉलर था, इन्होंने उसको हाइप दी जी, इंडियन एक्ट्रेसेस उस पे फिदा है। मैंने कहा देख लेना इस बेचारे का बेड़ा गर्क करेगा। अब बेड़ा गर्क हो गया, बड़ी जल्दी हो गया। थोड़ा सा इनको देखें, हम सारे को ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आते, जब हमें अथॉरिटी मिलती है ना, शायद मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एमपी हूँ, शायद मैं कभी वजीर आला बन जाऊं, मैं भी अपनी औकात से बाहर निकल। तो क्या आपको लगता है फेम नहीं संभाली जा रही? फेम नहीं संभाली जा रही। आप मुझे खुद बताएं, अगर इन्होंने कुछ बचपन में देखा हो ना, कोई इज्जत की चार दिन देखे हो, तो ये शायद हजफ कर ले इसको। बात ये हजरत अली का कॉल है, आपने किसी का जर्फ देख रहे हो उसको इज्जत देकर देखो, इनका जर्फ यही है कि इनको चार पैसे मिलते हैं, ये पिंक पेंटे शर्टें पहन के दाढ़ियां कटवा के, ये पिंक पिंक पेंट से आपको आप मत, आप मेरा दिल दुखता है क्योंकि देखे क्रिकेट हमारा नेशनल पैशन था। हाँ। और क्या हशर हो रहा है इनका। मुझे बताएं जो आपका कैप्टन है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, लेफ्ट हैंडर जो है, इतना हाई शान मसूद, इतना हाई रिस्क मैच चल रहा है, यू आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री हार के, आप कट खेलने जा रहे हो, क्या आपको एज ए बैट्समैन नहीं पता कि कट में 35% चांस होता है एज करने का, आप इतनी हाई रिस्क शॉट क्यों खेल रहे हो? आपको मैंने ही समझाना जाके वहां पे, क्या बॉल लीव कर दो, यू आर ऑन द एज ऑफ मेकिंग हिस्ट्री। सलमान डोंट